जो आकलन पता चला है उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए हार्ड कैश बरामद किए गए हैं। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, इनकम टैक्स की टीम अभी यहां से निकली है। जो तीन गाड़ियां हैं इनकम टैक्स की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये यहां से निकली हैं धीरज प्रसाद साहू के घर से, और दो गाड़ियां अभी भी मौजूद है। पांच सौ के नोट के एक बंडल में 50,000 रुपए होते हैं। 300 करोड़ को अगर बंडलों में रखा जाए तो इनकी संख्या 60,000 बंडल ठहरती है। अब सोचिए, 60,000 बंडल से ज्यादा नोट कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिल चुके हैं। इस रकम का वजन करें तो 500 की छपाई वाले 1 करोड़ रुपए का वजन 19 किलोग्राम होता है। 300 करोड़ में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वजन होता है 5,700 किलोग्राम। 57 टन वजनी इन नोटों को महज 5 अलमारियों से बरामद किया है। अंदाजा लगाइए, जिन 7 कमरे और 9 लॉकरों में रखे रुपयों की काउंटिंग अभी होनी है, वो आंकड़ा कितना पहुंचेगा? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की झारखंड के अंदर तूतू बोलती है। चाहे लोहरदगा हो या फिर रांची, हर जगह पे कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने अपनी बना के रखी है, या तो उनके करीबियों के नाम पे है, उनके भाई के नाम पे, भतीजे के नाम पे है। लेकिन कहते ऐसा है कि उन सारी प्रॉपर्टीज का जो एक देख रेख है, एक मालिकाना जो एक फेवर है, वो खुद धीरज साहू जो है वो अपनाते हैं। यही कारण है कि जब इनकम टैक्स की रेट अलग अलग ठिकानों पर पड़ी है, 36 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहाँ पे 290 करोड़ रुपए जो है वो कैश में बरामद किए गए हैं। अलमारियों में भरा बेहिसाब पैसा जब सामने आ रहा है तो हर किसी के होश उड़ रहे हैं। पब्लिक से लेकर पॉलिटिक्स और अधिकारियों तक सब हैरान हैं, क्योंकि इतनी रकम एक शख्स को छोड़िए आमतौर पर बैंकों में भी नहीं मिलती। आरबीआई के सोर्सेज के मुताबिक कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो जिले की एक सरकारी बैंक में सामान्य तौर पर 1 करोड़ तक ही कैश होता है। अगर चेस्ट ब्रांच को छोड़ दिया जाए तो किसी भी जिले की सरकारी बैंकों में 200 करोड़ रुपए कैश में नहीं होते हैं। अंदाजा लगाइए, इतना पैसा अकेले धीरज साहू के ठिकानों से मिल रहा है और इसे गिनने के लिए कर्मचारी कम पड़ गए, मशीनें कम पड़ गई। एक मशीन अगर पूरे दिन नोटों को गिनती है तो आमतौर पर 20 करोड़ रुपए ही उससे गिना जा सकता है। ऐसे में 300 करोड़ रुपए के नोटों को गिनने के लिए 15 मशीनें चाहिए, वो भी राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे। हालांकि प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि 24 घंटे नोट गिनने के लिए बहुत कर्मचारी लगाने पड़ेंगे और एक मशीन की अपनी लिमिट होती है। इसलिए कर्मचारियों की टीम इन रुपयों को गिनने बैठी तो कई मशीनें खराब हो गई। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की तरफ से 50 अधिकारियों की टीम लगाई गई और करीब 50 मशीनों से नोटों की काउंटिंग की जा रही है। बावजूद इसके गिनती पूरी नहीं हो पाई, दूसरी बैंकों से मशीनें मंगाई गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी कई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा के बोलांगीर में इस रकम को दोबारा काउंट करना शुरू किया गया तो 2 दिन में महज 46 करोड़ की गिनती हो पाई। ये रकम 156 बैगों में रखकर पहुंचाई गई थी। शुक्रवार को भी ऐसे ही 20 बैग गिनती के लिए भेजे गए। बैंक अधिकारी कह रहे हैं कि सैटरडे और संडे के दिन इतनी ज्यादा हलचल रहेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। हमरा जो लास्ट दिन जो गणती होता से वर्किंग डे थी, आम 9 मेसीन सब डेली लगी। आज आम नंबर अफ मेसीन बढ़ेचु, 25 मेसीन एवं कम लगी, आम पाखापाखि 40-50 स्टाफ एनगेज अच्छा काउंटिंग रे। आउ ये प्रोसेस टा आम बहुत स्पीड अप करा चाहूँ, से हिसाब से आम मैन फोर्स जितक अच्छे से अनुसार आम एम्प्लॉय करते आज 2 दिन भितर आम पाखापाखि 46 कोटी काउंट हो सारा। बर्तमान जब आम जो आज आम जो मेसीन देचु से भितर आम 2 दिन भितर सारिदेव, से ही आशा चलीचु 2 दिन मैक्सिमम आम भाई से भितर आम सारिदेव। आयकर विभाग की टीम ने 3 राज्यों में करीब 36 ठिकानों पर नॉन स्टॉप रेड की। इनमें से सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहां शुक्रवार शाम को एक्शन रुका। बोलांगीर के संदापुड़ा में छापेमारी के दौरान बरामद की गई रकम 100 करोड़ के करीब बताई जा रही है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर और संबलपुर में जो पैसा मिला है वो 200 करोड़ से ज्यादा का है। टिटलागाड़ में संजय साहू और दीपक साहू के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। इसके अलावा कई और ठिकाने ऐसे हैं जहां कैश और ज्वेलरी मिलने के चांस हैं, इसलिए प्लानिंग के तहत एक्शन लिया जा रहा है। रांची में भी इसी तरह 3 बैग ऐसे थे जो इस कैश लूट से आयकर विभाग की टीम ने काउंटिंग के लिए बैंक पहुंचाए। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में साटा कागज और प्रिंटर मशीन धीरज साहू के आवास में ले जाए गए हैं।
आयकर विभाग की टीम 5 गाड़ियों में पहुंची। इस दौरान पैरा मिलिट्री फोर्स को सिक्योरिटी के मकसद से तैनात किया गया। धीरज साहू के घर में एक और टीम देखिए यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके इसी तरीके से पहुंचेगी। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये राज्यसभा सांसद कांग्रेस के धीरज साहू का घर है, जहां अभी भी आपको इनकम टैक्स की टीम नजर आएगी। सुबह तड़के जो है वो इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे पहुंची और इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री की फोर्स है वो भी यहाँ पे पहुंची, और उसके बाद आज भी जो रेड का पूरा सिलसिला है वो जो है वो जारी हो गया। ये धीरज साहू के कैश लूट कांड का पहला ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आरोप ये भी है कि इस रकम के साथ साथ कई ऐसी प्रॉपर्टी भी कांग्रेस के सांसद ने खड़ी की जिसका हिसाब किताब होना भी बाकी है। इनमें रांची में ही एक अपार्टमेंट है, अस्पताल है और होटल भी है। सोर्सेज के मुताबिक धीरज ने इनडायरेक्ट तौर पर इन संपत्तियों में पैसा लगाया जो या तो उनके पार्टनर के नाम पर है या फिर किसी जान पहचान और शेल कंपनियों के नाम पर। इन संपत्तियों को बनाने में भी कितना पैसा व्हाइट था कितना ब्लैक, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही सामने आएगा। धीरज साहू की तू बोलती है, उनकी एक दो प्रॉपर्टी नहीं कई प्रॉपर्टी है। वैसे एक प्रॉपर्टी हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये सेंटर विटा हॉस्पिटल है, ये आपको जो है ये रांची के अंदर मौजूद है और ये भी अस्पताल बताया जाता है कि ये धीरज साहू और उनके करीबियों का है। ऐसे में कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको धीरज साहू खुद ओन करते हैं, उनके करीबी ओन करते हैं, और यही कारण है कि लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है वो ठिकाने पे छापेमारी कर रही है। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि रांची और लोहरदगा के अंदर तकरीबन लोग बताते हैं कि 20-30% ऐसे जो मार्केट्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स और होटल्स हैं जो कि धीरज साहू और उनके करीबियों की हैं। तो ऐसे में लगातार इनकम टैक्स की कोशिश है कि ऐसे ठिकानों के ऊपर छापेमारी की जाए और ज्यादा से ज्यादा जो कैश है उसको बरामद किया जाए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने अपनी संपत्ति 35 करोड़ बताई थी और हलफनामे में ये बताया था कि उनके पास 1,51,00,000 की कुल 4 कारें हैं, जिनमें 87,00,000 की BMW KV42, 32,00,000 रुपए की फॉर्च्यूनर, 24,00,000 रुपए की रेंज रोवर और 8.5 लाख रुपए की बजेरो थी। मगर जब टाइम्स नाउ ऑफ भारत का कैमरा घूमा तो कई महंगी महंगी कारें नजर आई। अभी हम रांची में मौजूद हैं, रांची का ये ADM कॉलोनी कहलाता है और यहाँ धीरज साहू का मकान है जहाँ धीरज साहू रहते हैं। अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं, चाहे लेक्सस की बात करें, किया की बात करें, जीप की बात करें या फिर जो कवर्ड गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ियां भी धीरज साहू की हैं। तो एक बड़ा गाड़ियों का एक काफिला है, एक बड़ा जो गाड़ियां हैं उनका एक जखीरा है और अंडरग्राउंड आपको पार्किंग भी दिखाई देगा। देखिए वहां से गाड़ियां जो है वो ऊपर की तरफ आती है तो अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाया गया है। एक पूरा लंबा यहां पे आपको इनका एक जो बंगला है वो दिखाई देगा और इसी के अंदर अब इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। जैसे जैसे नोटों की गिनती हो रही है धीरज साहू की बेचैनी बढ़ती जा रही है। 3 बार के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साइलेंट मोड में हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक किसी भी एक शख्स के ठिकाने से इतनी बड़ी रकम कैश में बरामद नहीं की गई थी। कानपुर में पीयूष जैन के ठिकाने पर 5 दिन तक रेड हुई तो करीब 200 करोड़ को गिनने में 5 दिन से ज्यादा लग गए थे। और यही वजह है कि धीरज साहू को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए तंज कसा। PM मोदी की इन लाइनों में इमोजी पर गौर करिए और ये भी समझिए कि इस रकम की पाई पाई जनता तक पहुंचाने की गारंटी पर कैसे काम हो रहा है। मोदी सरकार ने 8 सालों में 2,00,000 करोड़ की ब्लैक मनी का पता लगाया जिसमें से 1,25,00,000 करोड़ का काला धन अब तक जब्त किया जा चुका है। मोदी का मिशन नो ब्लैक मनी का हंटर काले धन के कुबेरों को इतनी बुरी तरह चोट दे रहा है, ना तो कुछ बोलते बन रहा ना ही कबूल पा रहे हैं, साथ देने वाले भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। रांची के अंदर जब आप आएंगे तो एक होटल है आर्या होटल जो कि उनके करीबियों का है। ऐसा कहते हैं कि ये जो होटल है ये इनके करीबियों के नाम पे है लेकिन इसका डायरेक्ट संबंध धीरज साहू के साथ है और यही कारण है कि जब इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है तो कई सारी चीजें जो है उनके रडार पे हैं, कई सारे जो जगह हैं वो उनके रडार पे हैं, चाहे आर्या होटल हो, आर्या ट्रेवल्स हो, कई सारे इन्होंने ऐसे जो है वो अपनी बिल्डिंग्स बना के रखी हुई है, कंपनीज बना के रखी हुई है। और ऐसा बताते हैं कि रांची और लोहरदगा के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उनकी हैं या उनके करीबियों की हैं, उनके परिवार वालों की हैं, जिनका खुद का कंट्रोल जो है वो खुद धीरज साहू करते हैं। कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक MP इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे, वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है।
क्या मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है। कांग्रेस भले ही इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, मगर इनकम टैक्स का ये एक्शन 24 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। इंडिया लाइंस भी इसकी चपेट में आने वाला है, क्योंकि जुलाई 2022 में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी से करीब 50 करोड़ कैश बरामद किए गए। बंगलुरु में कांग्रेस के पूर्व कॉरपोरेटर अश्वत्थामा के आवास से 42 करोड़ कैश मिला। झारखंड के सीएम की करीबी पूजा सिंगल के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा कैश पाया गया था। इसके अलावा कई और करप्ट नेताओं के आवास या करीबियों के पास से ब्लैक मनी पाया जा चुका है। ये इंडी गठबंधन के लोग ये करप्शन में इन्वॉल्व भी हैं, भ्रष्टाचार के इनका पैसा और चेहरा देश के सामने नजर आया, तभी तो ये ईडी और सीबीआई का विरोध करते हैं, तभी तो ये काले धन के खिलाफ कार्रवाई और नोटबंदी का विरोध करते रहे। अब देश की जनता जान गई है इनका भ्रष्ट चेहरा, जब ये नोट सामने नजर आते हैं, बंदूक लिए इनके सांसद खड़े होते हैं, तो दिखता है जहां भ्रष्टाचार है वहां कांग्रेस। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर अभी इनकम टैक्स ने छापेमारी की, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी इसमें ईडी की एंट्री हो सकती है, क्योंकि नोटों का ये आंकड़ा मौजूदा रकम से कई गुना ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है, और यही वजह है कि विपक्ष पर बीजेपी हमलावर है। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि अखबार के कतरन पर बयान दे दूं। मैं समझता हूं कि जो भी चीजें सामने आएंगी निश्चित रूप से वो उस पर जो जिनके यहाँ पकड़ा जा रहा है वो भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वो 100 वर्षों का पुराना व्यापारिक घराना है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात कि वो उनके नाम के पीछे साहू लगा है, उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है। देश की जनता से लूटे हुए पैसे, गरीबों की गाढ़ी कमाई के लूटे हुए पैसे, और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के नजदीक हैं, उनके प्यारे हैं, उनके दुलारे हैं, उनके न्यारे हैं, और कांग्रेस के तो दिल में बसने वाले ऐसे नेता हैं। आज कांग्रेस चुप है क्योंकि इसके काली कमाई का हिस्सेदार कांग्रेस का हाई कमान भी रहा है। धीरज साहू की इनकम का सोर्स क्या है, इस सवाल पर जितनी चुप्पी वो साधेंगे उतना ही शिकंजा कसता जाएगा, और फिर असली किरदार कौन है ये क्लियर होते भी देर नहीं लगेगी। माना जा रहा है कि इसी डर की वजह से धीरज साहू कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। रांची से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।